हाय फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूँ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध वाचक। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उनका दूसरी चीज़ों से क्या संबंध है ये बताता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बियॉन्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है, मीनिंग होता है उस तरफ, उससे आगे या उस पार। इस तरीके के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। जैसे समझते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू। पर्वत के उस तरफ एक गांव है, देयर इज अ विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन। समुद्र के उस पार मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड द सी, यानी समुद्र के उस पार मत जाओ, आपकी टीचिंग प्रशंसा के परे है। जब फ्रेंड्स हमें कहना पड़े कि इस चीज़ से ऊपर है यानी परे है, तो इस तरीके के सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। आपकी टीचिंग प्रशंसा से परे है या प्रशंसा से भी ऊपर है, तो योर टीचिंग इज़ बियॉन्ड ऑल प्रेज। योर टीचिंग इज़ बियॉन्ड ऑल प्रेज। 5 बजे से आगे मत रुकना, डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 5 o'clock। जब हम कहते हैं कि इससे आगे, 5 से आगे मत रुकना, यानी कि उस और आगे मत रुकना, यानी कि वही तक रुकना, उससे आगे मत रुकना, उस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है जब हम अलावा के अलावा, इसके सिवाय, इस तरीके के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग बियॉन्ड माई मदर। फ्रेंड्स, इधर अलावा के सेंस में हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अनीता के पास मेरे अलावा कुछ नहीं है। अनीता डजेंट हैव एनीथिंग बियॉन्ड मी। तो इस तरीके से हमने बियॉन्ड का यूज़ सीखा है फ्रेंड्स आज। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।